हेलो एवरीवन वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस कोर्स तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के इंट्रोडक्शन की ओके okay? क्योंकि इससे पहले हम डायरेक्टली जाएं अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको थियोटिकल नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली इस पूरे कोर्स में हम बहुत ही कम थ्योरी यूज करने वाले हैं मोस्टली आप कह सकते हो कि ये वाला कोर्स हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड है लेकिन स्टिल आपको थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए पाइथन के बारे में ओके okay? कोई स्लाइड नहीं है कोई पीपीटी नहीं है सिंपली आपको क्या करना है जाना है यहाँ पे जाकर के टाइप करना है पाइथन इंट्रोडक्शन ओके जी जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आई लव डब्ल्यू थ्री स्कूल मैन तो पहले लिंक खोल लेते हैं यहां पे, जो आपका डब्ल्यू थ्री स्कूल से है तो यहां पर इन्होंने सिंपली कहा है कि भाई देखो पॉपुलर है वी नो दैट क्रिएट की थी गाइडो वे एंड रॉसम ने पूरी एक स्टोरी है इस पर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं कैसे आगे आगे आपका मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ क्या इंस्परेशन थी वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम ये रिलीज हुई थी आपकी नाइनटीन नाइन्टी वन में ओके okay? अब बात करते हैं नेक्स्ट इट इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट तो आई थिंक जावास स्क्रिप्ट के बाद ये आपकी सेकेंड लैंग्वेज है जो आपकी वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथमेटिक्स सिस्टम स्क्रिप्टिंग बहुत कम यहाँ पे दिखाया हुआ है इसके अलावा बहुत सारी जगह पे आपका पाइथन यूज होता है लेट्स स्टार्ट वेब डेवलपमेंट के के लिए पाइथन पास में बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जैसे कि आपका फ्लास्क हुआ, हुआ जेंगो भी बोलते हैं अप टू यू कि आप क्या बोलना चाहते हो यू नो द सेम वर्ड पीपल लाइक यू नो डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाशिएशन करते हैं तो आई लव जेंगो एंड सम पीपल कॉल इट डी जेंगो तो वो आपके फ्रेमवर्क्स हैं तो वेब डेवलपमेंट के लिए आप उस एरिया में जा सकते हो देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इस बेसिकली अगर आपको कोई जियो एप्लीकेशन बनाना है विंडोज के लिए या आपको जैसे कि नोट टेकिंग एप्लीकेशन बनाना है खुद के लिए या पर्सनलाइज्ड कुछ बनाना चाहते हो अपने विंडोज लिनक्स मैक एनवायरमेंट के लिए आप इजिली पाइथन को यूज़ कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट ये बोल रहे हैं मैथमेटिक्स जिसका आप बेसिकली बोल सकते हो डेटा साइंस डेटा विजुलाइजेशन राइट या आप ऑल्सो जो आपको मशीन लर्निंग के कुछ एलग्रदम्स हैं तो वो सारी चीज़ें आप मैथमेटिक्स में इंक्लूड कर सकते हो जो हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं Then you have system scripting, basically to write an whole operating system. यहाँ जो आपकी low level की जो queries होती हैं, जो आप अपने operating system पे directly perform करवाते हो, तो वो सारी scripting हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. Okay जी? Then again यहाँ पे I think ये same चीज, ये भी same ही चीज है, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं. Uh, they are saying कि Python can be used on a server to create web application. Simple है. कि आप पाइथन से वेब एप्लीकेशन बेसिकली वेबसाइट्स या फिर माइक्रो सर्विसेज या हम कहें कि एपीआईज को बना सकते हो जो कि हम बनाएंगे इस कोर्स के अंदर राइट देन यू हैव पाइथन कैन बी सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ओके तो तो आप पाइथन को बेसिकली लोग कह रहे हैं कि आप वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हो पाइथन का यूज करके काइंड ऑफ सपोर्टिंग स्क्रिप्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो पाइथन का यूज करके जैसे कि अगर आपको कोई मेन एप्लीकेशन है आपको सपोर्टिंग स्क्रिप्ट्स चाहिए से कि आपने uh, कोई फाइल अपलोड करी है अब आपको वो फाइल डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी चाहिए राइट right? जो इस फाइल के अंदर कंटेंट रिटन है अब आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में चाहिए तो आप उसके लिए सिंपली एक पाइथन के स्क्रिप्ट को लिख सकते हो जो कि सब डिटेल में हम बात करेंगे ठीक है अभी आपको सारे टर्म समझने की जरूरत नहीं है जस्ट एक ओवरव्यू हम लोग दे रहे हैं देन यू हैव पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम सिंपल हम लोग मल्टीपल डेटा से इवन आई थिंक ऑलमोस्ट सारे डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं पाइथन को यूज़ करके ओके okay?

तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग मतलब अगर आपको फटाफट से कोई सॉफ्टवेयर आपको दिखाना हो किसी को प्रोटोटाइप बना के दिखाना हो कि सर दिस इज द पी ओ सी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इस सॉफ्टवेयर टर्म्स में बोलते हैं कि भाई ये देखो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया आपके पास में या एक क्लाइंट आया आपके पास में उसने आगे बोला कि भाई hey, सर मुझे ये वाला एप्लीकेशन चाहिए आप मुझे क्या इसको पाँच दिन के अंदर एक छोटा सा डेमो बना के दे सकते हो तो पाइथन विल बी द ईजीएस्ट वन टू क्रिएट दैट ओके ऐसा होता क्यों है इसके सिंटेक्स की वजह से ओके okay? सिंटेक्स uh, क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा शॉर्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है ऐसा नहीं आपको भूल जाओगे या फिर आपको एक भूल गया, भूल गए बाकी लैंग्वेजेस की तरह ये बहुत ईजी टू राइट है ओके okay? जो इसके फंक्शन है वो इजी टू रीड भी है क्या आप फटाफट उनको याद रख सकते हो नेक्स्ट आपके पास में आता है कि भाई पाइथनी क्यों बिकॉज मोस्टली ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सारे तो नहीं बोलूंगा लेकिन जो आपके मोस्टली यूज है विंडोज मैक लिनक्स इन तीनों पे चलता है

नॉर्मली में कोड लिखते हो तो वहाँ पे एक फंक्शन बनाते हो उसके अंदर क्लास के अंदर फंक्शन फंक्शन के अंदर आप कोड को लिखते हो ओके okay? फिर आप एक सिंपल स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हो लेकिन इन पाइथन ऑल यू हैव टू डू जाओ प्रिंट आगे उसके अंदर जो भी आपको लिखना है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कैसे करना है ठीक है आप वहाँ पे लिख करके एक लाइन में वो सेम कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो जहाँ पे आपकी अदर लैंग्वेजेस में चार से पांच लाइन में आपको कोड लिखना होता है ओके okay? Then you have a uh, Python runs on interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quick. Simple. तो so, interpreter की जब हम बात करते हैं ना, तो so, अगर आपने कभी अपने uh, किसी भी कोर्स में पढ़ा हो, interpreter और compiler में क्या difference होता है, तो so, interpreter is basically कि आप line by line code को execute कर सकते हो, okay? जैसी मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी एंटर किया तो आपका उसका रिजल्ट तुरंत तुरंत देख सकते हो यहाँ आप एक ब्लॉक ऑफ कोड को सेलेक्ट कर सकते हो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो आपको पूरा कोड एक साथ एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है ठीक है अगर आप करते हो तो वो वन बाय वन आपको एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करेगा अगर आ, एरर आपकी फोर लाइन में है तो एटलीस्ट ऊपर की तीन लाइनें वो एग्जीक्यूट कर चुका होगा ओके अब बात आते हैं यहाँ पे कि पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन प्रोसीजरल वे एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और अ फंक्शनल वे ठीक है तो ये आपके डिफरेंट प्रोसीजरल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड राइट ये आपके डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिग में तो अगर आपने किसी और लैंग्वेज में काम किया हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज लाइक द क्लासेज फंक्शन प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब खाली फंक्शन बना रहे हो उनको कॉल कर रहे हो जिसके बारे में हम अगेन पूरा कंप्लीटली बात करेंगे जब हम बेसिक्स कवर करेंगे नेक्स्ट आने वाले सेक्शन में ठीक है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है प्रोसीजर क्या होता है तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे देन नेक्स्ट यू हैव यू नो दे आर सेइंग द मोस्ट रिसेंट मेजर वर्जन ऑफ पाइथन पाइथन एंड आई थिंक दिस थिंग आप आराम से बैठ कर उसको पढ़ सकते हो ओके okay? तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ऑनलाइन जिनको जाकर के आप सिंपली पाइथन का इंट्रोडक्शन ले सकते हो लेकिन आई डोंट बिलीव मच इन थ्योरी बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपके एग्जाम वगैरह में अगर आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो उसके लिए आप पाइथन का कोर्स लिए हो ठीक है तो ये कुछ चीजें जो आपके माइंड में होनी चाहिए सो सी इन द नेक्स्ट बाय